के यहाँ मौजूद होने से इतना आप समझ गए होंगे कि जो कुछ कहना है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है और नए अध्यक्ष होंगे राज बब्बर एमपी। उनके साथ कुछ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वह हैं राजा राम पाल, राजेश मिश्र, भगवती प्रसाद चौधरी और इमरान मसूद। प्रदेश स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, आप जानते हैं केंद्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, लेकिन इससे पहले प्रदेश चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करती है, वो केंद्रीय छानबीन समिति के पास आते हैं, तो जो प्रदेश स्तर की छानबीन समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे निर्मल खत्री। ये मुझे इतनी ही सूचना देनी है, बाकी आजाद जी। बड़ी खबर इस समय की, राज बब्बर होंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। मैं शुरू में कह रहा था कि जब वक्त आएगा, जब वक्त आएगा, अभी तो 6 महीने हैं और अधिकतर जहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वहीं होता है, या कोई एक्स चीफ मिनिस्टर होता है तो अधिकतर उसका होता है, लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई ना तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है या अभी कोई तत्काल में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर रहा है। लिहाजा जों जों हमारी कंपेन शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे एट अप्रोप्रिएट टाइम कोई न कोई सीएम चेहरा जरूर होगा। एक एक चलो चलिए आप अपनी क्वेश्चन पूछिए। चलो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए। किसकी भूमिका? सबकी। इस जो जो भी कांग्रेस पार्टी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी में जो जो भी है सबकी भूमिका है, भूमिका रहेगी और भूमिका होती रही है। और उनकी भूमिका जो आप देखते हैं कई सालों से जो भूमिका है वो भूमिका उनकी है आज भी और पहले भी चलती आई। चलिए चलिए दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब वो प्रस्ताव रखा अभी इलेक्शन, अरे इलेक्शन वो कंपेन के लिए था, अब कंपेन शुरू कहां हुई? अभी कंपेन शुरू कहां होगी? कंपेन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस वक्त कंपेन होगा। अगर आपको ये मालूम, अगर मैंने कहा था कि वो कंपेन करती हैं दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मांग है कि इस दफा वो दूसरी जगह भी कंपेन करे, न इलेक्शन अनाउंस हुआ और न कंपेन शुरू। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तब उसकी बात हो जाएगी। वो इज देयर एनी बैन इन मीटिंग? इफ देयर इज अ बैन, दिस इज नॉट 124। ओके, and when time comes at that time, at that point of time, I have said that the election, even in elections, that is once the election is declared, then only she campaigns in Rai Bareli and Amethi. There were requests from the workers that she should campaign in our constituencies, but where is the election declared? Election is to be declared in the month of December, January. उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से
हो सकते हैं अपनी स्टेट के अलावा, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने स्टेट में कुछ नहीं बन सकते।